हेलो, आज हम देखेंगे सिर्फ माइक्रोस्कोपी। तो हम बैक्टीरिया देखेंगे और ईस्ट सेल देखेंगे, जिसमें ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम नेगेटिव होगा और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होगा, और ये कैसे दिखते हैं, इनका शेप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, तो चलो माइक्रोस्कोप के पास चलते हैं। तो ये सारे जीपीसी हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि वॉयलेट कलर के राउंड शेप में होते हैं। ये सारे जीएनबी हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जो पिंक कलर के रॉड शेप में होते हैं। तो ये जो बीच में एक दो दिख रहे हैं, दो आपस में जुड़े हुए वायलेट कलर के रॉड शेप में, ये हैं जीपीबी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। सो बेसिकली ये कंटामिनेशन से ही आते हैं। इस स्लाइड में तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी तरह दिखते हैं ये, रॉड शेप में होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। ये जीपीबी हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ठीक है, ये कुछ यहाँ भी हैं। ये सारे बीवाईसी हैं बडिंग ईस्ट सेल, ईस्ट सिंगल सेल्ड फंजाई होती है। ये भी ग्राम स्टेन से पता लग जाता है, इसकी शेप ओवल होती है और ये वॉलेट कलर का होता है। तो बडिंग ईस्ट कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसमें कहाँ गया, इसमें किसी किसी सेल में आपको दिखेगा कि ये बड की तरह निकले होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, इसलिए इनको बडिंग ईस्ट बोलते हैं। तो अभी हमने देखा ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं, ईस्ट सेल कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई भी होते हैं, बट उनकी स्लाइड नहीं थी, तो वो भी रॉड राउंड शेप में होंगे और पिंक कलर के होंगे, जो भी ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। सो ठीक है, इस तरह से होते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ठीक है।